दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इतवार को वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ, जो दो घंटे तक जारी रहा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन के फैसले और 6 अप्रैल 2023 को कौमी असम्बली की मंजूर करदा करारदाद पर तफसीली मुशावरत की। वज़ीर कानून सैनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को मुख्तलिफ आइनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग भी दी और काबीना के अराकीन के सवालात के जवाब दिए। तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेने और तफसीली मुशावरत के बाद काबीना ने मुतफिका तौर पर वजारत खजाना को हिदायत की कि वजारत कानून की मुशावरत से इस मामले में पार्लियामान से रहनुमाई हासिल करने के लिए तरीक़ाकार और जाबते के मुताबिक समरी तैयार करे और कल काबीना के इजलास में पेश करे। इजलास ने तय किया कि काबीना का इजलास 10 अप्रैल 2023 को दोबारा बुलाया जाए ताकि मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतालिक फैसला भी किया जा सके।